तो दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम इधर धुरा आरू धार घूमने आए हैं यहाँ। और इधर सामने जैसा कि आपको मैं हमेशा दिखाता हूँ हिमालय, ये बुग्याल, चमचमाते बर्फ़ से पहाड़। और इधर आरू धार, एक तरफ हिमालय चमक रहे हैं तो दूसरी तरफ इधर हरियाली, गेहूं और जौ बो रखे हैं यहाँ। इस बार बारिश कम होने की वजह से गेहूं और जौ की जो उपज है, वो पैदावार जो उसकी ग्रोथ है, वो थोड़ी कम है। तो मैं आज इधर घुमक्कड़ के लिए फिर आरू धार धुरा आया हूँ आप लोगों को के लिए एक सुंदर सा ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सामने ही हिमालय, और उस हिमालय की तलहटी में ये मेरा प्यारा गांव, जी हाँ, धुरा आरू धार। हमेशा मैं आपको यहाँ लिए चलता हूँ। और ये देखिए सामने गेहूं और जौ जहाँ एक तरफ हो रहे हैं, तो वहीं इधर ऊपर हिमालय पहाड़ चमक रहे हैं। और ये मकान है एक, और एक मकान ये यहाँ पर है, और एक वहाँ पर है जहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर में अभी दिखाऊंगा आपको। यहाँ आरू धार, यहाँ से अभी हम जाएंगे मुनिया को। फिलहाल इधर एक है पत्थर पाटालों के घर के बाहर, गाय भैंस खुली हुई हैं, चमचमाती धूप है, सवेरे का समय है और धूप में आनंद लिए जा रहे हैं। तो मित्रों ये देखिए, इधर गाय भैंसियाँ धूप का आनंद, और हमारी मातृशक्तियाँ अपने नित्य रोज़ के कार्य में, इधर भैंस पानी पीने के लिए जो पानी का जल स्रोत होता है वहाँ आए थे। और सामने ये सूखे हुए अखरोट के पेड़, पांगरों के पेड़, सूखे नहीं हैं ये, इनमें आजकल क्योंकि पतझड़ का समय है तो इसलिए पात गिरे हुए हैं। थोड़े दिन बाद ज्यों ही बसंत शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हिमालय की तलहटी में है, यहाँ ठंडी जलवायु है, तो इसलिए यहाँ बसंत भी देर में पहुँचता है। खैर फिलहाल इधर नीचे जिस तरह से गेहूँ और जौ में हरियाली हो रही है, तो वहीं ऊपर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो पहाड़ों में, वहाँ हिमालय में बर्फ़, और इधर को, और ये सामने, और ये देखिए हमारे, हमेशा की तरह मैं हमेशा बताता हूँ, हमारे बड़े भाई, बड़े भाई हमारे जो हैं तंबाकू गुटखा रहे हैं, चुस्कियाँ ले रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने भोजन कर लिया है। इसके बाद बकरियों को ये ले जाएंगे चराने, भेड़ बकरियों को, मुनिया जाने वाले हैं ये। तो शायद मैं भी इनके साथ हो आऊँगा और आप लोगों के लिए खूबसूरत सा वीडियो बनाकर लाऊँगा। एक तरफ नारियल से बनी हुई चिलम और रबड़ का पाइप, ऊपर हुक्के में कोयले और उसके अंदर तंबाकू गुलगुलाते, उसके बाद हमारे दाजू की भेड़ बकरियाँ जाएंगी मुनिया धार। ये देखिए ये भेड़ बकरियाँ चरने को मुनिया जाएंगी। अब समय हो चुका है 10:30 बजे का, समय सवेरे का हो चुका है, और अन्याव दाजू ने भोजन करने के बाद अब ये बड़े आँट डाला हुआ है कंधे में। ये कहीं पर जब बकरियों के लिए, क्योंकि घास अभी उतनी अच्छी नहीं जमी है, तो इसलिए कहीं पर थोड़ी बहुत गायों, भेड़ों के लिए और बकरियों के लिए लॉपिंग करनी पड़ती है। तो ये बण्याट हमेशा अन्याव का एक हथियार होता है, जिससे वो इन भेड़ बकरियों को पत्तियां तो खिलाता खिलाता है, अब स्वयं की रक्षा भी इससे, कुछ ऐसे अटैक करने वाले अचानक जंगली जानवरों से भी इससे बचाया जा सकता है। खैर फिलहाल फिर मित्रों, आज हमने दाजू के साथ फिर मुनिया धार जाने का प्रोग्राम बना रखा है। और वहाँ मुनिया धार, ये देखिए आप, हम मुनिया धार पहुँच गए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए शॉर्टकट आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ मेरे दिगड़िए जो हैं इस मुनिया धार गए हैं कई बार, और यहाँ का अगर मैं एनवायरमेंट बताऊँ, यहाँ का जो परिवेश है वो बताऊँ, तो नीचे ज़मीन में घास अभी सूखी हुई बची है बकरियों के लिए, और ऊपर देखूँ तो बुरांस खिल चुका है यहाँ अभी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, और बुरांस के फूल खिले हुए हैं, और इधर ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे कहीं कहीं पर लाल लाल बुरांस के फूल खिले हुए हैं, और ऊपर आसमान में गरुड़ देवता ने भी इस खूबसूरत मेरी वीडियो को और शानदार बनाने की मदद की। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं अभी इस समय मुनिया धार गया हूँ। ये हमारा एक तरीके का इस क्षेत्र का पिकनिक क्षेत्र है, जहाँ अधिकतर लोग घूमने फिरने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, हमारे देश में एक महामारी पैंडेमिक कोविड काल रहा, उस पीरियड में बहुत सारे हमारे युवा लोग, जो लड़के रोज़गार के लिए प्रदेश आए होते हैं, तो उस समय क्योंकि सब लोगों को अपने घरों को लौटना पड़ा,
तो उस समय उन लोगों ने इधर खूब इंजॉय किया, खूब पार्टी आल्टी करी, क्योंकि शहर के नज़दीक और लोगों के पास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहना था, कॉन्टैक्ट में नहीं रहना था। तो खैर फिलहाल इधर लोगों ने खूब अच्छा एक पिकनिक स्पॉट मनाया, और ये मैं फिर हमेशा जाता हूँ इधर आप लोगों को, और इधर से मैं आपको यहाँ के खूबसूरत व्यूज़ के साथ साथ यहाँ के वनस्पति जगत, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के बुग्याओं को भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हम मालमुनी पहुँच गए हैं, ये मालमुनिया का आधार जहाँ अभी मैं ये जा रहा हूँ। तो मित्रों, इस तरह का एक कभी आप पिकनिक प्रोग्राम बनाएं तो हमारे साथ यहाँ आ सकते हैं। और इधर जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ खूब अच्छी जगह है जहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू, एक तरीके के हिमाव तो दिखेंगे ही दिखेंगे यहाँ। साथ साथ में आपको ये खूबसूरत वनस्पति, ये देखिए ये फ्लावर, इतने खूबसूरत वाइल्ड फ्लावर है ये। थोड़ा सा इसको मैं अब ये देखिए, ये क्लोजअप मैंने करके दिखाया आपको। और उधर आसमान में थोड़ा आज मौसम बहुत अच्छा तो नहीं है, पर ये देखिए ये फूल दोबारा मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। और ये मुनिया का धार जहाँ चौमास में ग्रीष्मकालीन में गाय और आजकल ठंडे में बकरियाँ चरती हैं। और उधर हिमालय व्यू आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह का कम्बिनेशन आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता हूँ मैं। इधर बुरांस खिला हुआ है, ये हमारा उत्तराखंड राज्य का वृक्ष है, बुरांस कफू फूल है। और इधर ये देखिए भांति भांति के, थोड़ा अगर मैं थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा, तो यहाँ ये रेड कलर के बुरांस के साथ साथ थोड़ा रोज़ कलर के यानी गुलाबी कलर के बुरांस भी आपको, ये देखिए इस टाइप के बुरांस भी दिख जाएंगे आपको यहाँ। और आज फिर मैं मुनियाधार और ये यहाँ का माहौल, ऐसे जैसे माहौल में घूमने फिरने का किसको मन नहीं करेगा। यहाँ से ये सामने का व्यू दिखाई देता है, अगर मैं बताऊँ तो सामने आपको ये मुनशारी तहसील के अंदर आने वाला गाँव होकरा दिख रहा था। और अभी हम इधर मुनियाधार में हैं। इधर समय अब शाम का हो चुका है, मौसम का फिर करवटें बदलता रहता है, यहाँ तो पल पल में मौसम चेंज होता रहता है ऊपर। तो मित्रों, इधर शाम होने को है और मैंने फिर घर को लौटना है। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पहाड़ी दाजू पर बने रहिएगा और मेरे खूबसूरत हिमाव बुग्याओं को देखते रहिएगा और अपने प्यारे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आभार, धन्यवाद।